नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जयपुर के बस्सी चक स्थित बलराम आश्रम में रविवार को जार ग्रामीण इकाई कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसहमति से अध्यक्ष पद पर ब्रिजमोहन शर्मा को चुना गया, तो वहीं उपाध्यक्ष पर हनुमान जायसवाल, चंद्रमोहन शर्मा व मीडिया प्रभारी महेश शर्मा को मनोनीत किया गया। जार बस्सी इकाई के अध्यक्ष ब्रिजमोहन शर्मा ने बताया कि हमारे संविधान में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है और ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करना कोई आसान कार्य नहीं है। यहाँ पर स्थानीय समस्याओं के लिए पत्रकार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अफसरों से कभी कभार दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ जाती है, लेकिन उन सब के बावजूद एक पत्रकार जनता तक सही व सटीक खबरें पहुँचाता है। वही कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता महेश शर्मा ने बताया कि आए दिन पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए जार ग्रामीण इकाई का गठन किया गया है। वही मीटिंग के दौरान विधायक बस्सी टीम द्वारा सभी पत्रकारों का माला व साफा पहनाकर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं सभी मेरे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अहम पद की जिम्मेदारी दी है, जिसपे मैं बखूबी इनके जो भी समस्या है उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और बस्सी में कई पत्रकारों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों में कई तरह का भ्रम फैला हुआ है कि पत्रकार एकता बस्सी में नहीं है, तो मैं उनको ये आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि बस्सी में पत्रकार एकता है, रहेगी और हमेशा थी। बस्सी में कोई भी अफसर या जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं समझे कि पत्रकारों में एकता नहीं है। पत्रकार हमेशा एक थे और हमेशा रहेंगे। मैं जनता की और पत्रकारों के लिए हमेशा सदैव खड़ा रहूंगा। लगभग एक माह से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार आशा सहयोगियों ने विगत कुछ दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव द्वारा मंत्री ओपीएस भदौरिया को ज्ञापन दिया था, जिसके चलते मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी के साथ साथ धमकी दी थी। इसी धमकी के विरोध में वह नारी अपमान के चलते दतिया में आशा सहयोगियों ने अपनी मांग व प्रदेश अध्यक्ष के अपमान को लेकर माफी मांगने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम दतिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दे चुके हैं मंत्री महोदय को। राज्य स्तर की समस्याएं तो एक तरफ है, लेकिन स्थानीय स्तर की जो छोटी छोटी समस्या उनका भी समाधान नहीं किया गया। अभी 10 दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया था, तब मंत्री जी ने कहा था हम 24 घंटे के अंदर इनका निराकरण करेंगे। पेमेंट संबंधी बहुत सारी समस्याएं थी, वो भी निराकरण नहीं हुई। और राज्य स्तर पर जो हमारा मांग पत्र था वो भी अभी तक भेजा नहीं गया। हमने सिर्फ पूछा, हमने कहा मंत्री जी भाई साहब आप तो हमारे लोकल के हैं, तो आप तो हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार लगते होंगे, आप उसी नाते से बता दीजिए कि हमारी मांगों के लिए आप क्या अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। बोले तुम लोगों को तो मैं 24 घंटे के अंदर निकलवा दूंगा, तुम लोग मुझे बहुत परेशान करके रखे हो, जहाँ जाता हूँ वहाँ कागज़ लेके खड़े हो जाते हो, वहाँ ज्ञापन लेके खड़े हो जाते हो। केवल 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर गए हैं कि लक्ष्मी गौरव को यहाँ ड्यूटी पर से निकलवा दूंगा और अरेस्ट कराने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अरेस्ट अभी नहीं हुआ। हो सकता है शाम तक हो जाए, सुबह तक हो जाए, कभी भी हो जाए, मगर ड्यूटी नौकरी से निकलवाने की धमकी। जम्मू में हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में रविवार तड़के लगातार 2 ब्लास्ट हुए। भारतीय वायुसेना NIA और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस बारे में जांच कर रही है कि क्या यह कोई आतंकी हमला था। जांच अधिकारी एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में विस्फोटक गिराने में ड्रोन के संभावित इस्तेमाल की भी पड़ताल कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ब्लास्ट में आतंकवादी नेटवर्क के शामिल होने समेत विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है। भारत में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। इस बीच लगभग हर दिन अजीबोगरीब वजहों से शादियों के टूटने की खबरें भी आती रहती हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में हुआ। यहां दुल्हन ने पवित्र अग्नि के 6 फेरे लेने के बाद अपनी शादी तोड़ दी। जानकारी के अनुसार कुलपहाड़ तहसील के एक गाँव में हुई इस घटना में पवित्र अग्नि के 6 फेरे पूरे कर लेने के बाद दुल्हन ने कहा कि वह यह शादी तोड़ रही है, उसे दूल्हा पसंद नहीं है। वहीं दूल्हा और दुल्हन के दोस्तों और रिश्तेदारों ने दुल्हन को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। वहीं देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि आधी रात को पंचायत को मामले में दखल देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद भी कोई हल नहीं निकला।
डूंगरपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पूर्ण रूप से शराब बंद राज्य गुजरात के लिए और शराब तस्करों के लिए किसी स्वर्ग के रास्ते से कम नहीं माना जाता है। शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए आए दिन नए नए तरीके आजमाकर शराब गुजरात तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिछीवाड़ा पुलिस की मुस्तैदी और मजबूत विकसित मुखबिरी तंत्र की वजह से बिछीवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। आज रविवार को बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने करीब 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बिछीवाड़ा थानेदार रिजवान खान ने बताया कि आज रविवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रतनपुर चौकी के सामने एक पिकअप को रुकवाया। जांच के दौरान लकड़ी की पट्टियों के नीचे छुपाकर तस्कर करीब 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब राजसमंद से गुजरात के सूरत ले जा रहे थे। शराब से भरी पिकअप को जब्त कर तीनों आरोपियों को बिछीवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर आज अंग्रेजी शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर एक पिकअप से 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। यह अंग्रेजी शराब प्लाईवुड की पट्टियों और लकड़ी के फट्टों की आड़ में राजस्थान से गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी, जिसको मौके के ऊपर 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर के सालमगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देशानुसार सालमगढ़ थाना क्षेत्र के गोरक्षकों की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। हाल ही में बेंगू में हुई घटना को मद्देनजर रखते हुए थानाधिकारी रोहित कुमार ने सभी गोरक्षकों को निर्देशित किया कि गोरक्षक कोई भी गो तस्करी की सूचना हो तो उसको पुलिस से शेयर करे, स्वयं अपने स्तर पर कार्यवाही न करे, पुलिस कार्यवाही में पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करेगी। वहीं थानाधिकारी रोहित कुमार ने गोरक्षकों से क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी भी ली। श्रीमान एसी साहब के आदेश अनुसार पुलिस थाना सलमगढ़ पर गोरक्षक समूह की एक मीटिंग आयोजित की गई। इसमें गोरक्षक समूह को जो राजस्थान सरकार के जो कानून है उनके बारे में बताया गया, कोई गाय परिवहन करता है तो उसको उसमें क्या करना चाहिए, पुलिस को किस तरह सूचना देनी चाहिए, पुलिस को किस तरह सहयोग देना चाहिए, इस बारे में बताया गया। और गोरक्षक समूह द्वारा जो भी सवाल पूछे गए, जो सुझाव दिए गए, उनकी उन पर विचार किया जाएगा और जो भी है उस पर नियमन से कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले व आसपास के क्षेत्रों में रविवार को जमकर बारिश हुई। पलथान निवासी धर्मेंद्र सेन ने बताया कि कई दिनों से किसानों को बारिश का इंतजार था, जो रविवार को देखने को मिली। वहीं पलथान, मगरोड़ा, चनियाखेड़ी, गादोला, प्रतापगढ़ शहर सहित आसपास के गांव में आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से लोगों ने बुआई का कार्य पूरा कर लिया था और बारिश का इंतजार था। रविवार को हुई बारिश से अच्छी फसल पकने का अनुमान लगाया जा रहा है। चुरू के बिदासर में रविवार को जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने दौरा कर वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने को लेकर लोगों को प्रेरित करने की बात कही। साथ ही वैक्सीनेशन केंद्र पर सेवा देने वाले श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के लोगों को धन्यवाद किया। इस दौरान SDM श्योराम वर्मा, JN हंसराज, डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया सहित कई लोग मौजूद रहे। विदर्शक क्षेत्र में जो टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ जो मैंने शिविर का निरीक्षण किया, जो निस्वार्थ सेवा संगठन जो काम कर रहा है, वास्तव में सराहनीय है। इनके पदाधिकारियों को मैं मेरी ओर से साधुवाद कहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस तरह से अगर आप आगे आएंगे तो हमारे जिले को टीकाकरण करा पाएंगे और कोरोना से जल्दी मुक्त करा पाएंगे। मेरी ये भी अपील है सभी विदर्शक के निवासियों से कि कृपा करके आप किस तरह के भ्रामक जो है उसमें नहीं आए, टीकाकरण सेफ है, सतर्क रहें और अगर हम टीकाकरण कराएंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से मुक्ति मिलेगी। मोजमाबाद पंचायत समिति के मोखमपुरा ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने विधायक बाबूलाल नागर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि मोजमाबाद पंचायत समिति के कृषकों को कोऑपरेटिव बैंक की दूरी होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोखमपुरा ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने बताया कि मोजमाबाद पंचायत समिति क्षेत्र में 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही दी जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं 3 भागों में बटी हुई हैं। यह शाखाएं बगरू, दूदू, सांबर में स्थापित हैं, जिनकी दूरी 25 से 30 किलोमीटर है। पंचायत समिति मोजमाबाद के कृषकों को बैंक से मिलने वाली हर सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। वहीं सहकारी समिति के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि विधायक को ज्ञापन दिया गया है कि इस पर अमल कर
पंचायत समिति मोजमाबाद के कृषकों को लाभ दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज माननीय विधायक महोदय श्रीमान बाबूलाल नाथ के घर जाकर हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति में परेशानी आ रही है उनके लिए अवगत कराया, जिसमें मुख्य परेशानी हमारी यह रही कि पंचायत समिति मुख्यालय मोजमाबाद के अंदर हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति करीब 18 आती है, उसमें कोऑपरेटिव सेंटर बैंक की शाखा हमारे कुछ में सामर्थ्य करती है, कुछ में बदबू रखती है और कुछ में दूरू। तो माननीय विधायक महोदय जी से आग्रह किए कि हमारे मोजमाबाद पंचायत समिति मुख्यालय पर डीजेपुर सेंटर कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खुल जाए, तो हमारे मोजमाबाद पंचायत समिति मुख्यालय में जो भी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ आती है उनका एक मुख्यालय मोजमाबाद हो जाए। और हमारे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।